हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरी क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीट जीएसटी के बारे में बताऊंगा ऑन बोर्ड पर। थ्योरेटिकल कंप्लीट आपको मैं आज बताऊंगा। पिछली मेरी क्लास जो थी वो जीएसटी के बारे में, मैंने उसमें कम्प्लीट आपको हिस्ट्री से लेकर के सारी चीज़ें बताई हैं। वो कंप्लीट प्रेजेंटेशन बेस्ड मेरी क्लास थी, तो जिसने भी मेरी क्लास पिछली ना देखी हो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाकर के वीडियो को आसानी से देख सकता है। तो आज मैं जीएसटी को कंप्लीट कवर करूँगा, इसके बाद फिर जीएसटी में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे टॉपिक्स हैं इसमें, आप देखें जीएसटी का, जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें मैं आज आप लोगों को कंप्लीट व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं, जीएसटी स्लैब रेट है, किस रेट पर जीएसटी वर्क करता है, कौन कौन से टैक्स रेट हैं जो ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट टैक्स में बहुत ही सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं लोगों को कि हमें देना क्या है, हमको मिलना जो है उसे हम क्या कहते हैं, जो हम देकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा टैक्स होता है। तो इनपुट एंड आउटपुट टैक्स के माध्यम से मैं आज आपको कंप्लीट उसको समझाऊंगा। इसके बाद आपका है जीएसटीन, जीएसटीन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा जीएसटी एक्टिवेशन इन टैली, टैली में हम जीएसटी को कहां से एक्टिवेट करते हैं उसको मैं आपको कंप्लीट। तो आज की टॉपिक में मैंने कंप्लीट थ्योरी कवर किया हुआ है, तो इस क्लास को देख लेने के बाद जीएसटी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्लास को, सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसे कहते हैं। हालांकि जीएसटी लगभग 17 ऐसे टैक्स को हटा करके आपका जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले टैक्स समझाते हैं, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, फिर मैं देखता हूँ इसको, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम टैक्स को समझते हैं, जैसे कि हमें आज मेरा टॉपिक जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो टैक्स क्या है उसे हम समझेंगे। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दो टैक्स, टैक्स के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है जो डायरेक्टली आपसे आपके इनकम पर जो टैक्स लिया जाता है उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जितना आप कमाते हो उसी हिसाब से उसका टैक्स होता है, वो आपका डायरेक्ट टैक्स में होता है, या फिर कॉरपोरेशन टैक्स जिसे निगम कर कहते हैं। इस तरह से कई ऐसे टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, उस इसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बट जो जीएसटी आपका वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है। वैट तो बहुत ही पॉपुलर था, लोग वैट को आसानी से जानते थे, सर्विस टैक्स वैट ज़्यादा पॉपुलर था। इसके FVT, इस तरह से लगभग 17 ऐसे टैक्सेस हैं जिसको हटा दिया गया है यहाँ से और उसके स्थान पर एक टैक्स आ गया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। जीएसटी टैक्स आने पर बोला गया वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी, बट जीएसटी केवल इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके आपका सिंगल जीएसटी टैक्स आ गया, बट डायरेक्ट अभी वैसे के वैसा ही है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे पेट्रोल है, गैस है, इन सब पर अलग टाइप के टैक्सेस लगते हैं, तो मैं उसको आपको बताऊंगा उसके बारे में। बट जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आज हमें इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी देखना है। जीएसटी जैसे मैंने बताया आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी जो है वो आपका चार प्रकार का होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं चारों प्रकार जो इसके हैं, वही सारा कंप्लीट लोग बहुत जीएसटी में बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी। जीएसटी आया तो चार प्रकार का जीएसटी लोग समझने लगे कि जैसे 12% या 18% जीएसटी है तो वो 18 18 18 या 12 12 12 करके चार बार लगेगा, तो लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। बट ये अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। जीएसटी जो है चार प्रकार से है, एक CGST है, SGST है, UT GST एंड IGST। CGST मीन्स होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस क्लास के सारी चीज़ें मैंने डीपली अपने प्रेजेंटेशन वाली क्लास में, जो पिछली क्लास मेरी थी उसमें मैंने बताया हुआ है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। उस क्लास को आप जरूर देख लें, वो क्लास अगर आप देख लेते हैं फिर इसे आप देखेंगे तो बहुत सारी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगी। CGST मीन्स होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। UT GST यूनियन टेरेटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कौन सा टैक्स कहाँ लगता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। जब हम अपने ही स्टेट में, स्टेट विद इन स्टेट जब हम काम करते हैं, विद इन स्टेट एंड आउट ऑफ स्टेट,
जब हम अपने ही स्टेट में हमें लेन देन करना होता है तो दो टैक्स SGST और CGST, जब विद इन स्टेट हम रहते हैं तो CGST एंड SGST, CGST और SGST। कहने का मतलब जब हम अपने ही राज्य में सामान बना और अपने ही राज्य में सेल हो गया तो CGST, जैसे 12% कोई भी टैक्स है तो 12% पे 6% सेंट्रल का हो गया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 6% स्टेट को मिल गया। कहने का मतलब जब हम विद इन स्टेट, जिसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं, जब हम अपने स्टेट में लेन देन करते हैं तो SGST और CGST लगता है। और जब हम आउट ऑफ स्टेट, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे ही हमारा स्टेट, जैसे हमने यूपी में प्रोडक्ट बनाया और यूपी में ही सेल कर दिया तो उस पर CGST और SGST लगेगा। कोई भी सामान है 12% अगर टैक्स रेट है तो 6% CGST और 6% SGST लगेगा। लेकिन अगर यूपी में बना हुआ सामान हम बिहार में सेल कर देते हैं या कहीं अलग स्टेट में हम सेल करते हैं तो जस्ट वहां पर आपका IGST लग जाएगा। IGST जिसे हम इंटर स्टेट सेल कहते हैं। पहले इंटर स्टेट सेल में जब वैट चलता था तो इंटर स्टेट सेल के टाइम पर CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। बट अब GST में क्या है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेन देन करते हैं तो उसे हम IGST कहते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जबकि IGST जो है वो CGST और SGST का संयोग है, एक मिश्रित रूप है। जो 12% मैं आपको बता रहा हूँ, 12%, 18%, 5%, 28%, यही टैक्स स्लेब हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो जब ये IGST रेट है और जब हम अपने स्टेट में लेन देन करते हैं तो अगर 12% है तो 6% डिवाइड हो जाता है, 18% है तो 9% डिवाइड हो जाता है, 28% है तो 14% CGST SGST में डिवाइड हो जाता है। बट यदि IGST हम देते हैं तो डायरेक्टली 12% या 5% 18% या 28% जो भी टैक्स रेट लागू होता है वो डायरेक्ट उतना लग जाता है। उसमें क्या करता है, उसमें डायरेक्टली उस केंद्र सरकार को चला जाता है और केंद्र सरकार फिर उसमें, जैसे IGST, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम अपने स्टेट में विद इन स्टेट हम लेन देन करते हैं तो अगर 12% टैक्स रेट है तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% उस स्टेट को मिल जाता है जहां पर सेलिंग परचेजिंग हो रहा है। लेकिन IGST में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। IGST में चूंकि CGST SGST क्लियर है, वहां केंद्र को भी जाता है और स्टेट को, लेकिन जब IGST होता है, जब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में माल को बेचते हैं तो उसमें ये हो जाता है, लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, बट वहाँ SGST CGST को जस्ट हटा करके IGST दिया जाता है और IGST केंद्र सरकार के पास डायरेक्टली चला जाता है। और उसमें से जैसे 18% अगर IGST है तो 9% केंद्र सरकार अपने लिए रख लेती है और 9% उस राज्य को दे देती है जहाँ पर माल सेल हुआ है, जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ से माल बेचा गया वहाँ नहीं, जहाँ माल गया हुआ है उस राज्य को उठा करके वो अपना 9% दे देता है। कहने का मतलब एक राज्य वो है जहां पर माल बना, मैन्युफैक्चर्ड हुआ, यहां से सेल हुआ अदर राज्य में, यहां पर सेल हुआ, तो IGST जो है, जो अदर स्टेट है तो एक सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है जहां से IGST गया और वह IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली चला गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने देखा कि माल एग्जैक्ट में सेल कहाँ हो रहा है। जैसे 18% अगर GST था तो 9% केंद्र सरकार ने अपने लिए रख लिया और 9% उस स्टेट को दे दिया जहाँ पर माल सेल हुआ, एग्जैक्ट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उससे सबको फायदा हुआ। कहने का मतलब एक वो राज्य जहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुआ, वहाँ पर कारखाना है, वहाँ के लोग रोजगार मिला उनको, उसने मैन्युफैक्चर किया, इसके बाद केंद्र सरकार को दिया, केंद्र सरकार को भी फायदा हुआ क्योंकि उसका केंद्र सरकार के अंतर्गत सारे राज्य आते हैं, केंद्र के अंतर्गत सारे राज्य, देश के अंदर सारे राज्य आते हैं तो केंद्र सरकार को तो मिलना ही मिलना है। तो उस राज्य को क्या मिला, जहां पर मैन्युफैक्चर्ड हुआ वहां के लोगों को रोजगार मिला, वहां प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, और केंद्र को मिला चूंकि केंद्र के अंतर्गत वो राज्य है, और जो 9% बचा वो उस राज्य को मिला जहां पर वो सेल हुआ,
क्योंकि अगर यही मिल जाता उसको तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। जिस राज्य में माल जाकर के सेल हो रहा है उस राज्य का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। तो इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया, जो IGST मिला 18% उसने 9% स्वयं रख लिया और 9% उस राज्य को दे दिया जहां पर माल सेल हुआ है। तो ये लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन्स रहती है, इसलिए मैंने इसको आपको डिस्क्राइब किया। अब हम देखते हैं UTGST। UTGST क्या है? यूटी जो है वो यूनियन टेरेटरीज राज्यों में किया जाता है, वो तो राज्य ही नहीं है, यूनियन टेरेटरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप है, ये सारे जो आपके हैं वो आपके यूनियन टेरेटरीज हैं। यूनियन टेरेटरीज जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में यदि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है और वहीं पर सेल हो जा रहा है तो उसे बस थोड़ा सा समझने का फेर होता है, उसे देना क्या है, CGST एंड UTGST या फिर UGST बोलते हैं। यहां पर SGST खत्म हो जाता है क्योंकि SGST स्टेट के लिए होता है और जो यूनियन टेरिटरी है वो एक स्टेट नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए वहां पर S की जगह पर UTGST, SGST की जगह पर UTGST, चूंकि केंद्र हर जगह है इसलिए CGST उसमें इन्वॉल्व रहेगा और उस राज्य को मिल जाएगा UTGST। जैसे एक दिल्ली में कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ और वहीं पर सेल हो गया तो केंद्र को CGST चला गया और दिल्ली सरकार को UTGST मिल गया, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो गई होंगी मैं मानता हूँ, क्योंकि CGST SGST होता है जब हम विद इन स्टेट काम करते हैं, राज्य में ही अपने माल बनता है और सेल हो जाता है तो उसमें CGST और SGST होता है। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जब हम अपने स्टेट को चेंज करके दूसरे स्टेट में लेन देन करते हैं तो वहाँ CGST SGST हट करके डायरेक्टली IGST लग जाता है। IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो CGST और SGST का मिश्रित रूप है। और जब हम केंद्र शासित प्रदेश में माल बनता और वहीं पर सेल हो जाता है तो CGST और UTGST लगता है, वहां पर SGST हट जाता है और UTGST आ जाता है। इससे आपका केंद्र को CGST मिल गया और UTGST उस यूनियन टेरिटरी राज्य को मिल गया, उस प्रदेश को मिल गया। तो इस तरह से ये चारों को किया गया हुआ है। एक कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि GST देना किसे है। GST में तीन ऐसे पॉइंट हैं जिसे GST देना होता है। तो ये तीन ऐसी कैटेगरी हैं जिसे आपको GST जिसे देना होता है। एक तो आपका है 20 लाख का टर्नओवर, जिसका भी हो गया उसे GST पे करना पड़ेगा। GST 20 लाख, कोई ज़रूरी नहीं है वो आपका मुनाफा हो, जो आप पूरा कंप्लीट टर्नओवर जो आपका है 20 लाख, जो आप माल खरीदते हो सप्लाई पूरा, अगर 20 लाख पूरा हो गया साल में तो आपको GST पे करना पड़ेगा। अगर हम ऑनलाइन ई कॉमर्स कुछ भी करते हैं, अमेज़ॉन या फिर आप जोमेटो या ऐसा कोई भी, हम कोई भी सामान लेते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं, अगर हम 20 रुपये का भी लेंगे तो उस पर हमें GST पे करना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए कोई ये अमाउंट का वैलिडेशन ख़त्म हो जाता है। तो ऑनलाइन अगर हम ई कॉमर्स कुछ भी करते हैं तो उस पर भी हमें GST पे करना पड़ेगा जो उस सुविधा को लेता है। एक है इंटर स्टेट, यदि अपने स्टेट से अलावा हम दूसरे स्टेट से सामान जैसे ही मंगवाएंगे तो हमारा कोई टर्नओवर से मतलब नहीं है, उस पर भी GST आपको पे करना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्र में ये 20 लाख का जो लिमिट है वो 10 लाख में कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर उतनी बड़ी दुकानें नहीं होती हैं तो उसका 10 लाख ही लिमिट है। तो ये आप ध्यान से समझें, और लोगों को आपको GST देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और लोग GST को नहीं भरते हैं। जिसका टर्नओवर 20 लाख का होता है वो 20 लाख या उससे ज़्यादा होता है वो GST पे करता है, या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स वर्क करते हैं आप, तो आपको GST पे करना पड़ेगा। यदि आप अपने स्टेट से अदर स्टेट से माल मंगवाते हैं, इंटर स्टेट वर्क करते हैं आप, तो वहाँ पर भी आपको GST पे करना पड़ेगा। तो ये तीन ऐसी कैटेगरी हैं जहाँ पर आपको GST पे करना है। अब हम देखते हैं GST जो रेट्स हैं, जिस जो रेट ऑल ओवर इंडिया में है उसे हम समझते हैं GST स्लैब रेट। अब देखें जो GST के रेट्स यूज होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बस यहाँ लिखा हूँ। वैसे 1200 प्रोडक्ट लगभग यूज़ किए जाते हैं। स्लैब रेट इसका है, इसे हम एग्जैम्प्ट, एक एग्जैम्प्ट, एग्जैम्प्ट मतलब जो करमुक्त हो गया, जिसे हम 0% बोलते हैं। 0% मीन्स करमुक्त हो गया, चूँकि कुछ ऐसी कैटेगरी जैसे आपका दूध है, दही है, अनाज है,
खाने वाली सामग्री है, अनपैक्ड पनीर है, मतलब जो पैक नहीं नॉर्मल बना करके लोग दुकान पे बेचते हैं, उन सब पर आपका 0% आपका, मतलब जिससे क्वालिटी कम है वो आपका 0%, उस पर कोई भी बैट सॉरी कोई भी टैक्स रेट नहीं है, 0% एग्जेम्प्ट है, वो कर मुक्त है। 5% जैसे जैसे क्वालिटी मेंटेन होती जाती है टैक्स रेट बढ़ता चला जाता है। वैल्यू जैसे आपका वैट था, वैट जो था वो वैल्यू एडेड टैक्स, उसी के स्थान पर लोग देखें तो जीएसटी है, सर्विस टैक्स और वैट को हटा करके जीएसटी है। जीएसटी का मेन वर्क वैट और सर्विस टैक्स के लिए देखा जाता है। तो इसके बाद 5% जिसे आप चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं, जैसे जैसे आप थोड़े से क्वालिटी मेंटेन करते जाएंगे आपका टैक्स रेट बढ़ता जाए। अच्छे टी कॉफी पैक्ड पनीर, अगर आप खुला पनीर नहीं ले रहे हो तो आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। पैक्ड पनीर है, स्किम मिल्क पैक्ड दूध है, दूध पाउडर है, ये सारी चीज़ें लगभग आपके 5% में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सारे को मैं इस छोटे से वीडियो में नहीं दिख बता सकता आप लोगों को। 12% में आपका है घी है, बटर है, आपका फ्रूट जूस है या पैक्ड कोई भी जूस फॉर्मेट है, मोबाइल्स खरीद रहे हैं आप, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो हैं आपकी, उन सब पर आपका 12%, कुछ दवाएँ जो हैं उस पर 12%, आपका 12% और 18% में ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट आपके आ जाते हैं जो लोग आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। 18% आप देखें जैसे सोप है, हेयर ऑयल है, क्रीम है, टूथपेस्ट है, या और सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप अपने पर्सनल केयर के लिए आप यूज़ करते हैं, आइसक्रीम है, ये सारी चीज़ें लगभग आपका 18% इस पर आपका टैक्स रेट आता है। यहाँ हमने जो टैक्स रेट लिखा हुआ है वो IGST रेट है, इसमें अगर इसको हम CGST या SGST में करेंगे तो 2.5% एंड 2.5%, ये 6% एंड 6%, इस तरह से डिवाइड होगा, 9% एंड 9%, 14% एंड 14%, इस तरह से ऐड होगा। जीएसटी और एसजीएसटी में 5% को 2.5 2.5, सीजीएसटी 2.5 और एसजीएसटी भी 2.5 होगा। ऐसे ही 12% में 6% आपका सीजीएसटी और 6% आपका SGST। ऐसे ही यहाँ पर हमने जो यहाँ रेट लिखा हुआ है 5% या 12% या 18% या 28%, ये सब IGST रेट है। ठीक, मैंने अभी आपको बताया कि IGST जो होता है वो CGST और SGST का एक मिश्रित रूप है, एक संयोग है। 18% वो है जो लग्जरियस हो जाते हैं लोग, लग्जरियस लाइफ के लिए आप कार की जरूरत है आपको, मोटरसाइकिल कार AC ऐसी चीज़ों की, सीमेंट या बड़े वर्क करने के लिए सीमेंट है, अच्छे अच्छे परफ्यूम है, ये सारी चीज़ें आपके 28% में आ जाती है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, GST 28% के साथ कभी कभार जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उन सब पर आपका सेस भी लगता है, सेस बोलते हैं उपकर, तो सब पर नहीं लगता लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिस पर 1% से 3% तक सेस भी लगता है। तो आपने देखा जो सेलेब्रेट है यही रेट जो आपके दिखा रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ऑल ओवर इंडिया यही लागू होता है। पहले वैट रहता था तो कोई स्टेट ज़्यादा लेता था, कोई कम लेता था, सब में अलग अलग टैक्स रेट होते हैं, स्टेट वाइज होते थे, बट आज के टाइम में इसीलिए इसको वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी कहा जाता है, यही कर आपके ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होते हैं चाहे जो स्टेट हो। इसको हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि बेहद कंफ्यूज रहते हैं लोग इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में। देखते हैं GST इनपुट और आउटपुट टैक्स। इनपुट आउटपुट में सबको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, वो आज सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा आप लोगों का। इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या है, जैसे हम मान लीजिए इनपुट टैक्स मैंने इधर दिखाया है और आउटपुट टैक्स इधर दिखाया है, कहने का मतलब जब हम परचेज करते हैं जो हम टैक्स भर के आते हैं उसे हम इनपुट टैक्स कहते हैं, और जब हम माल को सेल करते हैं तो जो हमें टैक्स प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, सीधी सी बात है। इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान लेते हैं कि गुड्स जो है गुड माल का प्राइस है 100 रुपये, एज एग्जाम्पल कोई भी माल है उसका प्राइस है 100 रुपये, और उस 100 रुपये पर हमने एज एग्जाम्पल 10% की दर से हम देख रहे हैं, मैंने जो उस पर टैक्स भरा इनपुट टैक्स दिया वो 10 रुपये, तो कुल परचेजिंग कॉस्ट हमारा हो गया 110 रुपये। किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी आइटम का कंप्लीट परचेजिंग कॉस्ट हमारा हुआ 110, जिसमें 100 रुपये माल का मूल्य है और 10 रुपये उस पर टैक्स दिया गया जो इनपुट टैक्स था, तो बना हमारा 110 रुपये। हम उस माल को सेल करेंगे तो उसमें सीधी सी बात है उसमें अपना प्रॉफिट अपना एक स्टैंडर्ड रेट बनाते हैं, इस जो आपका सेलिंग प्राइस होता है,
तो हमने गुड का प्राइस हमने बनाया 150 रुपये, उसमें हमने 50 रुपये ऐड कर दिया 100 रुपये में, 150 रुपये हमारे गुड्स का प्राइस हो गया। हम आउटपुट में आ जाते हैं, हमारे गुड्स का रेट हुआ 150 रुपये, उस पर जो हमें टैक्स प्राप्त हुआ वो कितना, 15 रुपये, चूँकि 150 10% के दर से 100 का है, अगर 10 रुपये तो 150 का 15 रुपये होगा, सीधी सी बात है। तो गुड्स रेट हो गया आपका 150 रुपये और उस पर आउटपुट टैक्स आपको मिला 15 रुपये, तो टोटल सेलिंग आपका प्राइस क्या बन गया, 165 रुपये। जो सामान आपने 110 में लिया था वो आपने बेचा कितने में, 165 में, वही सेम प्रोडक्ट सेम रेट पर, सेम रेट जो आपका टैक्स रेट है 10%, उसी पर आपने माल को खरीदा, 10% आप भर कर आए, तब आपके माल का कॉस्ट था 100 रुपये, तो आपने 10 रुपये भरा उस पर टैक्स, और वही माल का कॉस्ट यहाँ 150 हो गया, तो उस पर आपका 1500 रुपये, उसी माल का कॉस्ट यहाँ पर 150 रुपये हो गया, तो उस पर आपको 10% की दर से 15 रुपये आपको टैक्स प्राप्त हुआ, तो आपकी सेलिंग प्राइस जो हो गई वो हो गई 165 रुपये। अब हम इसमें से टैक्स निकालते हैं, इनपुट टैक्स, देखिए पे हमें कितना करना है, जीएसटी हमें कितना पे करना है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ आप देखें, यहाँ हमने दिया कितना 10 रुपये और यहाँ हमें मिला कितना 15 रुपये। जीएसटी जो आपका टैक्स पेएबल का फॉर्मूला होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू टैक्स पेएबल, तो हमारा आउटपुट टैक्स है 15 रुपये, इनपुट टैक्स है हमारा 10 रुपये, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू टैक्स पेएबल, ठीक 15 रुपये मेरा आउटपुट टैक्स है, 10 रुपये हमारा इनपुट टैक्स है, तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो बचेगा 5 रुपये। ऐसा नहीं है कि एक बार हम 10 दें एक बार 15 दें, ऐसा नहीं करना है। जब आपका माल जो आपने टैक्स भरा हुआ है, जब उससे ज़्यादा उसी प्रोडक्ट पर आपको उससे ज़्यादा टैक्स प्राप्त होता है, तो जो आप भर के आए हो उसमें डिडक्ट कर जाता है, उससे जितना भी एक्स्ट्रा जाता है वही आपको पे करना होता है। तो यहां पर 15 माइनस 10 इक्वल टू 5, ये 5 रुपये आपको पे करना होगा जो आपका जीएसटी पेबल होगा। हम इसमें प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको भी आपको समझाते हैं। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, आपकी सेलिंग प्राइस माइनस जो आपका टैक्स है, जीएसटी हमने यहां लिखा है, जीएसटी बता रहा हूं, तो जीएसटी हम लिख लिए, सेलिंग प्राइस माइनस जीएसटी माइनस परचेजिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है आपका 165 रुपये, इसमें 5 रुपये आपका टैक्स है और 110 रुपये आपका परचेजिंग प्राइस है, तो 65 में से 5 गए 160 बचा, और 160 में से 110 घटा दिया गया तो बचा 50 रुपये। ये आपका 50 रुपये जो बचा, ये आपका प्योर आपका प्रॉफिट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया और ये आपका टैक्स पेबल हो गया। आप एक बार फिर से देखें, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स, हमारा इनपुट टैक्स भर करके जो हमारे, तो हमारा माल 110 रुपये का था और आउटपुट के साथ हमारा माल 165 रुपये का था, तो जो हमारा यहाँ हमने 15 रुपये हमें आउटपुट मिला और यहाँ हमने इनपुट 10 रुपये दिया, तो 15 में से माइनस 10 कर दिया तो बचा 5, ये 5 रुपये हमारा टैक्स पेबल हुआ। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस आपका टैक्स माइनस परचेजिंग कॉस्ट, उसमें से आप घटाएंगे तो आपका 50 रुपये, ये आपके इस प्रोडक्ट पे आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये है आपका इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। अब हम देखते हैं जीएसटीन क्या होता है, जीएसटीन को हम समझ लेते हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। जीएसटीन क्या होता है, जीएसटी अगर हमें जीएसटी टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके साथ जो हमें एक नंबर मिलता है उसे हम जीएसटीन कहते हैं, जीएसटीन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका कुछ चीज़ें मिलकर के बनी होती हैं, ये है आपका जीएसटीन, एक फॉर्मेट मैंने बना दिया है इसमें। ये आपका है कंपनी का पैन नंबर, ये आपका एंटिटी नंबर, एक जेड इसमें ऐड होता है जिप कोड के लिए, और ये आपका टू, एक कुछ सम डिजिट्स होती हैं जिससे आपका जीएसटीन बनता है, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। ये है जीएसटीन, जीएसटीन जिसके पास होता है वही टैक्स रजिस्टर्ड होता है, जीएसटी से रजिस्टर्ड वही होता है। ऐसे बैट के लिए पहले टिन यूज़ किया जाता था, जिसे टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या आइडेंटिटी नंबर कहते थे। अब हम देखते हैं, हम जीएसटी को टैली में एक्टिवेट हम कहाँ से करते हैं। आप जानते हैं कि जीएसटी जो इन्वॉल्व हुआ टैली में, टैली का tally.erp9 का रिलीज 6.0 वर्जन से जीएसटी आ गया, जबकि जीएसटी इंडिया में कब आया, 1 जुलाई 2017 को। हमारी हिस्ट्री वाली वीडियो जो प्रेजेंटेशन बेस पर, उसको आप जरूर देख लें, कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगा। तो जीएसटी एक्टिवेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, टैली में
टैली में सबसे फर्स्ट हम गेट ऐली, गेट वे ऑफ टैली में हम रहते हुए वहां पर हम या तो शॉर्टकट यूज करें या फिर हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने पर आपका फीचर्स खुल कर आएगा। उसमें तीसरा ऑप्शन होता है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, तो यहाँ हम चाहे वो तीसरा ऑप्शन प्रेस करें या फिर F11 प्लस F3 कर दें, F11 प्लस F3 कर देंगे तो स्टेटरी टैक्सेशन, स्टेटरी एंड टैक्सेशन खुल करके आ जाएगा। उसमें हमारा ऑप्शन होता है इनेबल GST, गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स, यहां हमें यस कर देना होता है। जब हम इसको यस कर देते हैं उसके नीचे एक ऑप्शन होता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। यहां भी जब हम यस करते हैं तो उसकी सेटिंग खुल करके आती है। उस सेटिंग में अपना जीएसटी नंबर, अपना कंप्लीट डिटेल, जो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसके नाम से ऑथराइज्ड हुआ है उसका कंप्लीट डिटेल, अपना स्टेट, ये सारा कुछ हम चुन लेते हैं। उसके बाद उसको जा करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए के साथ हम सेव कर लें, कंट्रोल ए करके हम सेव करें या फिर एंटर प्रेस करते हुए से हम सेव कर लें, तो इस तरह से आपका जीएसटी आपके टैली में एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं ये सारी आपको जीएसटी एक्टिवेशन से लेकर के उसके लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वाउचर्स हम कैसे बनाते हैं, उसका हम पे कैसे करते हैं, ये सारा कुछ हम उसमें आप लोगों को बताएंगे। जीएसटी में एक GSTR होता है, GSTR जिसे हम जीएसटी रिटर्न कहते हैं, जीएसटी रिटर्न भी फाइल किया जाता है। ये सारा कुछ मैं आपको अगली वीडियो में आपके अपने बताऊंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको जीएसटी कंप्लीट टैली में कैसे यूज किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आज की क्लास मेरी जो थी कंप्लीट जीएसटी का कंप्लीट होल नॉलेज आपको मैंने आज बताया। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही यूजफुल वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।